फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। सुबह सुबह का ये टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी 5:15 या 5:30 का ये टाइम था, मैं लग गई थी यहाँ पे अपने काम पे। तो लगभग 4:30 या 4:45 के लगभग मैं उठ जाती हूँ और सुबह सुबह मैं निकालती हूँ बस किचन वाले एरिया में झाड़ू, और उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि किचन में बिना झाड़ू लगाए काम नहीं करते हैं। और पूरे घर में मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि इस वाले रूम में ना हम लोग नीचे गद्दे डाल के सो जाते हैं, तो फिर बेटा सोया रहता है तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बस झाड़ू लगा के मैं यहाँ पर लग गई थी बच्चे के लिए टिफ़िन और नाश्ता तैयार करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ उसके लिए आलू के पराठे। छोटा बेटा भी उठ गया है, वो भी रेडी हो रहा है, नहाने के लिए चला गया है वो। और यहाँ पे देखिए आलू मेरे बॉयल हो गए हैं, उनको पिल आउट करके ना मैंने उनको फोड़ के रख दिया है थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा ठंडे हो जाएं, फटाफट से उनमें हवा निकल जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगे तो फिर उनको हैंडल करना इजी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें साफ कर ले रही हूँ क्योंकि मैं उसमें डालने वाली हूँ आलू की पिट्ठी में। और आलू के पराठे ना बड़े मज़े के होते हैं, जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत अच्छे लगते हैं। आटा मैंने पहले से ही लगा के रख दिया, थोड़ा सा नरम आटा लगाती हूँ। जो भी किसी भी तरह के अगर स्टफ पराठे बनाने होते हैं ना, तो हल्का सा नरम आटा लगाती हूँ, तो इस तरह से ना वो फटते नहीं है अगर हम लोग नरम सा आटा लगाते हैं। हार्ड आटा होता है ना तो वो फट जाता है। तो चलिए, उसको मैंने पहले लगा के रख दिया था आलू बॉईल करने से पहले, तो उसको ना अच्छा खासा सा रेस्टिंग टाइम मिल गया है 15 से 20 मिनट का। इधर की साइड को मैंने 4 से 5 हरी मिर्च काट ली है, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं है। थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है और चल रहा है सावन का महीना तो मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, वरना इसमें ना आलू के पराठों में प्याज तो इतनी मस्त लगती है ना, एकदम जो इनका टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है जब इसमें साथ के साथ ना प्याज का बाइट आता है, बहुत अच्छा सा लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इधर को देखिए हमारे जो आलू हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं। इसमें मैंने जो धनिया और हरी मिर्चें डाली काट के रखी थी उसको मैं डाल दिया है। अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है इसमें नमक, उसके बाद मैं डालूँगी धनिया पाउडर। मिर्च पाउडर मेरे पास एक्चुअली नहीं है, हल्का सा चाट मसाला, गर्म मसाला और हल्का सा अमचूर पाउडर। तो बस इन्हीं मसालों के साथ में मैं कर लूँगी अपने आलू के जो मिक्सचर है उसको रेडी, और इसको मैं अच्छे से हाथों से मैश कर लूँगी। जो मोटा मोटा होगा ना गुठलियाँ टाइम की, उसको मैं फोड़ लेती हूँ ताकि वो बेलते टाइम पर फिर उसमें ना आए ना। तो बस इसी तरह से मसाला तैयार हो गया है, साथ के साथ काउंटर टॉप को और गैस टॉप को मैंने कर दिया है क्लीन, क्योंकि जो काउंटर टॉप है ना इसी पे मैं बेलने का काम कर लेती हूँ। और इधर वाली साइड को देखिए बेटा भी हो गया है रेडी, और आज तो बड़ा वाला भी उठ गया है साथ के साथ में। कभी कभी ये उठ जाता है, कभी ये सोए रहता है, कभी कभी तो फिर गुस्सा करता है, जैसे आवाज़ें होती है ना काम करते हैं खटर पटर होती है, या फिर ये बोलता रहता है और इसको ज़्यादा नींद आ रही होती है ना तो फिर गुस्सा भी दिखाता है। कभी कभी ऐसा करता है लाइट ऑफ करके फिर लेट जाएगा और मेरे पास आएगा और दांत बीच के गुस्सा दिखाता है, तो इसका अलग अलग चलता रहता है। आज ये उठ गया आराम से, तो इसने भी हाथ मुंह धो लिया है अपना। तो चलिए सारा काम मेरा ऑन टाइम है। और यहाँ पर देखिए मैं बस इस तरह से ना हल्का सा पेड़ बना के इसको रोल आउट करती हूँ, थोड़ा सा मतलब फैला लेती हूँ, और फिर इसमें भरती हूँ मैं स्टफिंग, और एकदम स्टफिंग ना दबा दबा के भरती हूँ बहुत सारी, जितनी मैं इसमें भर सकती हूँ बहुत ज़्यादा डालती हूँ। और इसी तरह के थोड़े से बड़े बड़े और मोटे मोटे पराठे अच्छे लगते हैं, जो भरवा पराठे होते हैं। तो मेरे को इस टाइम पर बस 4 पराठे बनाने, तो 4 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। और पेड़े पहले बनाने से क्या होता है ना कि फटाफट बस बेलते जाओ और सेकते जाओ, वरना इसमें क्योंकि बल लगता है ना, पहले इसको थोड़ा सा फैलाओ फिर उसमें स्टफ़ करो फिर बेलो, तो थोड़ा टाइम जाता है। तो तब तक क्या होता है कि तवे वाला जो पराठा होता है ना वो हल्का सा आपका तेज़ हो जाता है, या फिर आपको गैस सिम करनी होती है बार बार। तो चलिए मैं बस इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बनाने नहीं है, बस 4 पराठे हैं तो पहले से पेड़े बना के रख लिए। अब बस मैं फटाफट से इनको बेलती जाऊँगी और तवे पर डाल के सेकती जाऊँगी, एकदम करारे करारे से मैं सेकूँगी। सॉरी, और भरवा पराठे जब तक बड़े बड़े से और मोटे मोटे से ना हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टफिंग वाले ना हो, तो फिर तो क्या ही मज़ा आता है। तो बस देखिए कितने बड़े बड़े से हैं, एक पराठे में ही एक बंदा फुल हो जाता है। बेटा बस एक पराठा छोटा बेटा मेरा खा लेगा यहाँ से, और 2 पराठे मैं उसके टिफ़िन में रख दूँगी अचार के साथ में, उसको अच्छा लगता है, उसके दोस्तों को भी अच्छा लगता है, तो वो एक ही खा पाता है बाकी दोस्तों के साथ, क्योंकि सब लोग बैठते हैं ना तो सब आपस में शेयर करते हैं। ये 4-5 बच्चों का इनका सर्किल है, जो इनका फ्रेंड ग्रुप है, और सब लोग अपना अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, तो कोई कुछ लेके आता है कोई कुछ लेके आता है, सबकी ना वैरायटी हो जाती है, दावत हो जाती है। तो बचपन की ना मतलब एक अलग ही होता है, चार्म होता है। स्कूल टाइम तो बस कहते हैं ना बेस्ट टाइम है, पढ़ाई भी है लेकिन साथ साथ में बच्चे अपनी मौज मस्ती खेल सब कुछ चलता रहता है, और यही है लाइफ। चलिए, और बेस्ट पार्ट है इस टाइम अभी हमारे बच्चों का।
चलिए बस देखिए इधर साइड को मैंने दूध गर्म कर दिया है, उसको एक गिलास दूध दे दूँगी और बस वो एक पराठा और दूध पी लेगा। और सुबह सुबह ना मैं उसको हमेशा कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि अब बड़ा भी हो गया है और वैसे भी कुछ सॉलिड रहता है ना तो सही रहता है, तो ये आदत पहले से ही है। और ये देखिए कितने फूले फूले पराठे बन रहे, एकदम भटूरे के जैसे, और देखने में मस्त लग रहा है ना। पर मेरा तो व्रत है, मुझे तो खाना नहीं है, तो बस यहाँ पर एक पराठा मैं अपने बड़े बेटे को खिला दूँगी, क्योंकि वो उठ गया है ना। इधर मैं उसका पराठा ठंडा कर रही हूँ, तो छोटा बेटा उसको भी खिलाते जा रहा है और खुद भी खा रहा है। और ये पता क्या करता है, इसको गरम गरम दे देती हूँ ना, तो कभी कभी इसको इतना नहीं होता है तो वो तोड़ के मुंह में डाल लेता है और फिर बाद में हा 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 ऐसे ऐसे करता रहता है। इस तरह से ये दाल चावल भी बाय चांस ऐसा होता है कि मैं रख के जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि इसको छूना नहीं है, मैं किसी और काम के लिए चली जाती हूँ अंदर को, तो तब तक वो एक चम्मच उठा के ना मुँह में डाल देगा और फिर बाद में कूदता रहेगा क्योंकि गर्म है। और वो फिर क्या निगल ही जाता है, तो गला पूरा मतलब ऐसा हो जाता है ना, तो उसको नहीं समझ आता इतना, वो हरकतें कर लेता है बाद में उसको लगता है। तो बस इसको मैंने ना, इसका पराठा मैंने अपने पास में ही रखा हुआ था ठंडा करने के लिए। और इधर को फटाफट से मैं इसका टिफ़िन भी पैक कर दे रही हूँ यहाँ पे, और रख दूँगी मैं साथ में आम का अचार। मैं पूछ रही थी उसको, मैंने कहा चाहे तो सॉस ले जाओ, क्योंकि सॉस के पाउच में रखती हूँ मैं अपने पास में, कभी कभी वो लेके जाता है। तो वो बोला कि नहीं मम्मी, आम के अचार के साथ रख दो, अच्छा लगता है। तो बस मैं पराठों के बीच में ही रख देती हूँ, इसी तरह से ये ले जाता है इसको, और इसको अच्छे से भी लगते हैं। तो बस दो पराठे मैंने रख दिए हैं, टाइम भी हो चला है मेरे ख्याल से 6:20 ये घर से निकलता है, 6:25 तक, कभी कभी 6:30 तक इसकी बस आ जाती है, तो 20 से निकल जाता है। और सब कुछ ऑन टाइम है, दो तो 4 मिनट अभी थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की जो चीज़ें फैली हुई हैं इसको मैं समेट देती हूँ। तो हम लोग ना इस वाले रूम में सोते हैं, और इस वाले रूम में ना बस ये एक दीवान डला हुआ है, इसके ऊपर एक ही जना सो सकता है, बाकी हम सब लोग ना नीचे गद्दे डाल के सो जाते हैं, क्योंकि AC इस वाले रूम में है, बेड अंदर वाले रूम में डला हुआ है, तो बस इसी तरह से चल पड़ता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर चादरों की तह बना के रख दे रही हूँ, पहले गद्दा ये रख के आ गया है, इसको भी मैं हटा दूँगी, और एक गद्दा मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि दिन विन में ना बैठने बैठने के लिए भी हो जाता है। और इधर फिर इसके याद आए कि हाँ मम्मी उसको ना बस वाले को पैसे देने थे, मैंने कहा चल ठीक है वो तो देना ही है, वो लेके जा, तो वो भी मैंने उसको दे दिया है ध्यान से। और बस इसके बाद ये निकल जाएगा, और मैं इसको सुबह सुबह ड्रॉप करने नहीं जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी चली जाती हूँ, जैसे मौसम वगैरह ख़राब होता है कि बारिश है, या फिर कभी मूड हो गया कि चल ठीक है मैं चल दे रही हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खुद से चला जाता है। और मैं यहीं से देख लेती हूँ, क्योंकि हमारी गली के सामने ही ना बिल्कुल मेन रोड है, और यहाँ से दिखती है वो, सब कुछ दिखता है, तो मैं बस बाहर से इसको देख लेती हूँ। ऊपर चली गई थी आज तो मैं छोटे बड़े बेटे को लेके, मैंने उसको आज ना बड़ी अच्छी अच्छी सी हवा चली हुई थी, ठंडी ठंडी सी, और सुबह सुबह की हवा अच्छी लग रही थी, तो मैं उसको भी लेके आ गई थी। मैंने कहा चल ना ऊपर ही खा लेना तू अपना पराठा, तो यहाँ पे मैं उसको पराठा खिलाती जा रही हूँ, और साइड से मैंने उसको देख लिया है, जब उसकी बस आ जाएगी फिर उसके बाद हम लोग 15-20 मिनट यहीं पे टहलते रहे। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, ऑफ कैमरा मैंने फटाफट से पूरे घर में झाड़ू निकाल दिए दोबारा से, और पोछा वगैरह सब कर दिया है, क्योंकि मेरे चल रहे हैं सावन के महीने के ना फास्ट, पूरे महीने का मैंने फास्ट रखा हुआ है। तो बस उसके बाद मैंने फटाफट से नहाना धोना किया, अपनी पूजा वूजा जो मेरे को करनी होती है वो सब की। तब तक देखिए हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्हें वो भी फ्रेश हो गए हैं, तो उनके लिए मैं और पराठे बना दे रही हूँ। तो 4 पराठे मैंने पहले बनाए थे, 4 पराठे मैं अब बना दे रही हूँ फटाफट से। पिट्ठी वगैरह तो सब कुछ बनी हुई रखी थी, अपने लिए मैंने चाय बना ली है, नॉर्मली मैं चाय नहीं ले रही थी, पर आज मेरे को चाय लेने का थोड़ा सा मन हुआ, तो यहाँ पर मैं बेटे को फिर से पराठा खिला दूँगी अपने साथ बिठा के, क्योंकि वही वाली बात है ना, उसको दे दूँगी तो वो ना खुद से मतलब गरम गरम मुँह में डाल लेगा, या फिर जैसे कोई भरवा पराठा होता है ना, तो वो जैसे लेयर अलग अलग हो जाती है, तो अंदर की जो स्टफिंग है ना वो निकल जाती है, थोड़ा इधर उधर हो जाती है। मैंने सोचा चलो क्या मैं ऐसे ही करना, मैं ही खिला देती हूँ अपने हाथ से। और यहाँ पे ये पराठा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो एक पराठा था ना वो बहुत एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा सिका हुआ था, वो इस वाली प्लेट में था, इनको अच्छा लगता है, बोल रहे कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट था ना, ये तो इसको खिला दे, ये मेरे को दे दे। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और बस यहाँ पर मैंने पी ली है अपने लिए चाय, उसके बाद हम लोगों ने किया रेस्ट, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। तो सबसे पहले तो आप सबको गुड इवनिंग। और यहाँ पे बेटा जा रहा है आटा लेने के लिए, क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म, तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा जाके ना 1-5 किलो का कट्टा लेके आ जा, ये अब इतना बड़ा हो गया है कि सारे काम वगैरह कर देता है। और ऑन रोड ही पास में ही ना एक कैंटीन है, वहाँ से सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, तो ये ले आता है साइकिल से जाके पीछे कैरियर में रख के, तो कोई वो नहीं है, बड़ा भी हो गया, बच्चे कर देते हैं सारे काम, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कितना वो होता है ना इजी कि चलो कुछ भी ख़त्म हो गया ले आओ, बच्चे सब देख लेते हैं। तो
चलिए इधर साइड को बर्तन वगैरह रखे हुए थे दोपहर के, क्योंकि सबको खाना वाना खिलाने के बाद में मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया था। बर्तन वर्तन धुल के साइड में ही रख दिए थे। अब इनका जैसे सूख गए हैं तो उनको रख दिया है मैंने उनके प्रॉपर प्लेस पे। दूध भी आ गया था तो दूध को रख दिया है मैंने साइड में पकने के लिए, क्योंकि मैं काम करती रहूँगी और दूध साइड में पकता रहेगा। वरना दूध का ऐसा होता ना कि बैठ जाओ तो वो पक्का निकल ही जाता है अगर उसको छोड़ के बैठ जाएँ तो। इसलिए मैंने साथ के साथ रख दिया था कि जब तक हमारा दूसरा काम होगा तब तक ये दूध भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक गली में आया था सब्जी वाला, तो मैंने उनसे सब्जी ले ली थी, टमाटर, तोरी, लौकी, अरबी, ये सब कुछ। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा फ्रिज में रखने से पहले ना हमेशा मैं धो लेती हूँ। और ये वाली आदत जब से कोरोना हुआ है ना, उस टाइम पे धुलना स्टार्ट किया था तब से आदत हो गई है। पहले तो शायद मैं नहीं धोती थी, पहले टमाटर वगैरह मैं वॉश कर लेती थी, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, फ्रिज खोलते हैं कभी कभी और उसमें से टमाटर निकालता है और खा लेता है। स्पेशली जो बड़ा बेटा ना वो ऐसे ही खाता है, छोटा वाला तो धुल के खाता है सारी चीज़ें। तो इसलिए और तब से मेरे को आदत ही हो गई है, जो भी सब्ज़ी होती है मैं उसको धुल के रखती हूँ। और अरबी में तो कितना मिट्टी होती है ना, इसको एक बार धो के अच्छे से स्टोर कर लेते हैं तो फिर बाद में इसको छीलने मिलने में सही रहता है। तो बस फटाफट से मैं सारी सब्ज़ी धुल के साइड में रखती जा रही हूँ। थोड़ा सा इनका पानी सूख जाएगा आधा आधा घंटे के बाद, उसको जो उसके बाद ना जो फ्रिज का वेजिटेबल बास्केट होता है उसमें मैं सेट करके इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो मेरी इतनी सब्ज़ी मेरी 2-3 दिन आराम से चल जाएगी। और क्योंकि मेरा व्रत है तो मैं आलू वालू कम ही प्रिफर कर रही हूँ, बना लेती हूँ बीच बीच में, कभी ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं लौकी तोरी बना रही हूँ, क्योंकि उससे क्या है स्टमक सही रहता है, पेट में ना गर्मी नहीं होती है, गैस वैस नहीं बनती है। और मिनिमम मसाला तो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मिर्च पाउडर ख़त्म हो रखा है, मैंने वो भी नहीं पीसा है। मैं साबुत मिर्च डाल देती हूँ और बाकी जीरा, धनिया, हींग, बस और कुछ नहीं। और इधर साइड को देखिए उबल गया है दूध, इधर हस्बैंड भी थोड़ा काम पे लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं फ़ायदा लेती हूँ, अपनी हाइट छोटे होने का मेरे को बेनिफिट मिलता है। वो क्यों, क्योंकि बेड के ऊपर चेयर रख के भी मैं अगर करती हूँ ना तो मेरा हाथ फैन तक नहीं पहुँचता है, तो उस पर ना जैसे डस्ट की एक किनारी से जम जाती है ना, उसकी स्पीड भी थोड़ा कम हो जाती है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने कर दिया था फटाफट से उसको साफ, हमारे घर का झाड़ू वाला। शाम का खाना खाना तो सही से जल्दी कर, खाने की धमकी मत दो, वो साइकिल ठीक कराने जाना। हाँ साइकिल ठीक कराने जाना, पहले ये कर फटाफट। हाँ वेरी गुड, बस जल्दी। हाँ चलो चलो चलो, बस लेके जा फटाफट बाहर। आयुष नहीं, तो देखिए उधर का जो काम है वो कर दिया है, हस्बैंड ने फैन साफ़ कर दिया है, बेटे ने रूम साफ़ कर दिया है, और मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी तो वो भी थोड़ा सा वो कर रहा था। और अब वो चले गए हैं साइकिल ठीक कराने के लिए, उसके ना साइकिल का जो टायर है वो पंचर हो रखा है, तो उसी को ठीक कराने के लिए वो लोग चले गए हैं। यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि मैं जो अपना खाना है ना, एक टाइम मैं नॉर्मल वाला खाना खाती हूँ, मतलब कोई भी सब्जी रोटी इस तरह से, और मैं कोशिश करती हूँ कि 6-6:30 तक मैं अपना खा लूँ खाना, बाकी ये लोग ना बाद में खाते हैं, कभी कभी बच्चे साथ में खा लेते हैं, हस्बैंड तो मोस्टली वो देर से ही खाते हैं अगर यहाँ पे होते हैं तो। तो मैंने यहाँ पे ना फटाफट से बस तोरी छोंक दी है जीरे धनिए के, हल्दी के साथ में, हल्दी थोड़ी सी कम रह गई थी तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा चलो हल्दी भी लेके आ जाना जब वहाँ पर जाएगा, तो बस यही है। और यहाँ पे ये मिठाई ना हमारे पास में से आई हुई थी, हमारे पास में है एक भाभी, वो दे के गई थी तो मैंने बस वही दे दी है सबको खाने के लिए थोड़ी सी। और उसके बाद बेटा आ गया था, वो चला गया था ऊपर प्लांट्स में पानी डालने के लिए। और इस टाइम पे सब अपना अपना काम करते हैं ना, तो एकदम से फटाफट से सारा काम हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता। और मौसम देखिए काफ़ी अच्छा सा हो रखा है, हल्के हल्के बादल हो रखे हैं, हल्की सी हवा चली हुई है। तो आज ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वाली जो गर्मी हो रखी थी ना, पिछले कई दिन से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रखी थी वो नहीं है, सुबह में भी अच्छा था और इस टाइम पे भी अच्छा है। दिन को धूप निकली थी तो उस टाइम पे काफ़ी गर्मी हो रखी थी। तो ऊपर वो आ गया है पानी डाल के, और इधर को सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट बनने वाली है, दूध मेरा पक गया है, आटा मैंने लगा के रख दिया है, वो रेस्ट मिल जाएगा उसको 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पर जो हमारी सब्जी धुल के रखी थी उनका पानी भी सूख गया है, तो उसको मैंने इस बास्केट में भर के रख दिया है, रख दूँगी मैं फ्रिज में। तो चलिए सब सेट है, इसके बाद मैं पहले जला लेती हूँ दिया, क्योंकि खाना खाने से पहले मैं अपना दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद में हस्बैंड करते हैं, वो थोड़ा लेट करते हैं। तो बस यही है हमारा आजकल का रूटीन, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपनी संध्या वाली आरती।
संध्या आरती करके पूरे घर में मैंने दीपक दिखा दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में अपना खाना बनाने के लिए। तो मैं चपाती बना लेती हूँ, सब्ज़ी तो हमारी पहले से ही बनी गई है एकदम सिंपल सा, और बच्चे भी साथ में ही खा लेंगे क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, मतलब 7:45 बजने वाले थे। तो बेटा बोला कि मम्मी चलो हम भी खा ही लेते हैं, हस्बैंड ने तो अभी मना कर दिया, वो बोल रहे कि मैं तो लेट ही खाऊँगा। तो चलिए कोई नहीं, दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए मैं फटाफट से यहाँ पर बना लेती हूँ दो चपातियाँ, और एकदम देसी स्टाइल में बनाती हूँ मैं इसी तरह से। काउंटर टॉप पे मैं हल्का सा ऑयल लगा के उसको बेल लेती हूँ, सूखा आटा मैं नहीं लगाती हूँ नॉर्मली, और बस इसी तरह से हम अपनी कर लेंगे रोटियाँ तैयार। उसके बाद मैं खाऊंगी अपना खाना, और व्रत में पता है जैसे भी खाना बनता है ना जो भी, वो बड़ा स्वाद लगता है, बहुत अच्छा सा लगता है। तो बस यहीं पर मैं डाल दूँगी गद्दा और नीचे बैठ कर ही हम लोग खाना खा लेते हैं। बेटा इधर बैठ गया है साइड को और हम तीनों अब अपना करेंगे खाना। और तोरी में ना मुझे भिगो के खाना रोटी बड़ी पसंद है, अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से मैंने उसमें डाल लिया, थोड़ा सा ले लिया था मैंने उसमें मीठा अचार आम वाला वो। और तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं खाना एंजॉय करती हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी, फिर से वही किचन साफ़ करना, काउंटर टॉप साफ़ करना, और रात के जो कुछ काम होते हैं वो सब निपटा के फिर सो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं पे बाइंड अप, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट रूटीन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय, गुड नाइट।